जनपद फिरोजाबाद में आज महात्मा गांधी बालिका विद्यालय पीजी कॉलेज में हिंदी विभाग द्वारा आजादी का 75वां अमृत महोत्सव और मिशन शक्ति का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम को संयोजिका असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर संध्या द्विवेदी और संचालिका निशा द्वारा कराया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आए जिला प्रोविजन अधिकारी सीमा मौर्य का स्वागत महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर निर्मला यादव ने किया और मुख्य अतिथि ने सरस्वती माँ पर माल्या पहनाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बच्चे को हवा में उछालती हो तो बच्चा आप पर विश्वास करता है कि आप उसे पकड़ लोगे, इसे कहते हैं विश्वास। जैसा कि आज़ादी का 75वां वर्षगांठ मना रहे हैं अमृत महोत्सव के रूप में, तो उसी से संबंधित आपने देखा होगा कि रंगोली भी बनाया गया। बहुत अच्छा रंगोली का आयोजन किया गया है बालिकाओं द्वारा और फ्रीडम फाइटर का भी बहुत अच्छा बनाया गया है। तो बहुत अच्छा है रंगोली का कार्यक्रम। और इसके अलावा मुस्कुराएगा इंडिया, जैसा कि अभी कोरोना काल चल ही रहा है तो कैसे अधिकतर लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो उनको कैसे बाहर लाया जाए क्योंकि ये वक्त गुजर जाएगा। लेकिन अब डिप्रेशन है वो पता नहीं कितने सालों तक रहेगा, और एक डिप्रेशन दूसरे के जैसे ग्रस्त होता है तो दूसरे के भी उसमें संपर्क में आता है तो भी वैसे उसकी मानसिकता हो जाती है। तो इसमें यही है, बालिकाओं द्वारा ये बताया गया कि कैसे वो ये वक्त है, वक्त भी गुजर जाएगा, तो कैसे वो अपने आप को मानसिक रूप से स्वस्थ रख सकते हैं और काम में अपना बिजी रह सकते हैं और कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करते ही रहते हैं तो वैसे कर सकते हैं और भारत को तो कम से कम बचा ही सकते हैं। सरकार की तरफ से 75 वर्ष पूरे होने पर स्वाधीनता के आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, और ये जो महाविद्यालय है उसने लगातार एक वर्ष तक पहले इस कार्यक्रम को प्रतिमाह संचालित करने की योजना बनाई है। ये दूसरा कार्यक्रम महाविद्यालय का है, और आज़ादी का अमृत महोत्सव हमने 2 अक्टूबर के से पहले 1 अक्टूबर को मनाया था, और 2 अक्टूबर को फिर हमने गांधी जी की जयंती मनाई थी। इसके साथ ही एक कार्यक्रम जो है जिसमें ये बच्चे जो हैं इसमें कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें हमारे अमर शहीद जितने भी हुए हैं या स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं उनके विचार में अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, जिससे कि छात्राओं को और सभी को इनकी जानकारी हो। मैं डॉक्टर संध्या द्विवेदी महात्मा गांधी बालिका विद्यालय पीजी कॉलेज हिंदी विभाग अध्यक्ष हूँ। यहाँ पर आज हमने कार्यक्रम का आयोजन किया है आज़ादी का अमृत महोत्सव और मिशन शक्ति, क्योंकि जोर शोर से चल रहा है तो ये पूरा कार्यक्रम जो आप देख रहे हैं इन्हीं दोनों को ध्यान में रख करके हमने इस कार्यक्रम को आज यहाँ पर प्रारंभ किया। इसके साथ ही मिशन शक्ति को हमने लेकर के एक मुस्कुराएगा इंडिया बॉक्स का शुभारंभ किया है। मुस्कुराएगा इंडिया 1 साल पहले लगभग हम लोगों से मतलब मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि राष्ट्रीय सेवा योजना की कार्यक्रम अधिकारी भी हूँ, तो राष्ट्रीय सेवा योजना और यूनिसेफ ने मिल करके एक पहल की शुरुआत की थी कोविड के दौरान, जिसका नाम दिया था मुस्कुराएगा इंडिया। मुस्कुराएगा इंडिया के अंतर्गत बहुत सारे बच्चे ले लीजिए या बूढ़े ले लीजिए, क्योंकि कोविड का कार्यकाल था, लोग अवसाद की स्थितियों से घिरे हुए थे, तो यहाँ पर काउंसलिंग उनके मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रख करके एक बॉक्स का यहाँ पर प्रारंभ किया गया है। चूँकि यहाँ पर छात्राएँ हैं, बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं जो किसी से शेयर भी नहीं कर सकती हैं, इसलिए हमने यहाँ पर एक बॉक्स का शुभारम्भ किया है। जो बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स होंगी उस प्रॉब्लम्स को लिख करके उस बॉक्स में डालेंगे बिना नाम के, क्योंकि नाम नहीं होगा गोपनीय होंगी, और फिर उनको ध्यान में रख करके एक उनका व्याख्यान किया जाएगा ताकि समय समय पर उनकी समस्याओं से उनको निजात दिलाया जा सके। एक तो ये हमने कार्यक्रम किया है। आप यहाँ मेरे पीछे देख रहे होंगे बच्चों ने बहुत सारी रंगोली प्रतियोगिता का भी एक आयोजन किया है जो आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर के है, तो यहाँ पर रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। कार्तिक का महीना चल रहा है, कार्तिक के महीने में तुलसी पूजन का विशेष महत्व है, तो आज के दिन हमने 75 क्योंकि 75 जो अमृत महोत्सव का एक हिस्सा है इसको ध्यान में रख करके हमने 75 तुलसी के पौधों का वितरण भी कराया है। अभी कुछ पौधे हमारे पास अभी रखे हैं, कुछ बच्चों ने सुबह से डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे थे, और उसके अलावा कुछ बच्चों ने यहाँ पर झलकियाँ भी प्रस्तुत की हैं जो हमारे महापुरुष हैं गांधी जी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भीमराव अम्बेडकर, ऐसे बहुत सारे जो महापुरुष हैं उनकी वेशभूषा को पहन करके और उनके डायलॉग के साथ यहाँ पर बच्चे प्रस्तुत कर रहे हैं।